यूं तो रतन टाटा अपने सादगी और नेकदिली के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं रतन टाटा के बारे में एक दिलचस्प किस्सा। जब रतन टाटा ने वर्ष 1998 में कार बाजार में उतरने का निर्णय लिया और टाटा इंडिका नाम से अपनी पहली कार लॉन्च की, जो पूरी तरह असफल रही क्योंकि लोगों ने कार खरीदने में कभी रुचि नहीं दिखाई, तब परेशान होकर उन्होंने वर्ष 1999 में पूरी कंपनी को बेचने का फैसला किया और इसके लिए फोर्ड मोटर्स से संपर्क किया। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के नाते फोर्ड के मालिक ने टाटा का अपमान किया, जो इतने बड़े उद्यमी के लिए बेहद परेशानी और निराशा की स्थिति थी। फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा, When you don't know anything about passenger cars, why you started this business? कि जब आपको यात्री कारों के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आपने व्यवसाय क्यों शुरू किया? इन शब्दों का रतन टाटा ने तुरंत जवाब दिया जब उन्होंने वर्ष 2008 के दौरान जगुआर लैंड रोवर इकाई खरीदकर फोर्ड को दिवालियापन से बचाया, जिसके लिए टाटा को भी 2500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।